विंटर का यहाँ पे एक बहुत बड़ा दिक्कत है यार, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है यहाँ पे और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ में विंटर में। और टेम्परेचर तो खैर इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं होता, टेम्परेचर चलो फिर भी सह लेते, लेकिन ये बारिश और ये जल्दी अंधेरा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। चलिए गाइस शुरू करता हूँ एक और वीडियो में। स्वागत है आप लोगों का। आज है मंगलवार की दिन है और मेरा ऑफ था आज, और सुबह हम गए थे जिम में। जिम जाने के बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, वहाँ पे थोड़ा स्विमिंग वगैरह कर लिया करनी, वहाँ के मैंने सैलून में गया था, दाढ़ी वगैरह बनवा लिया, और यही काम रहता है जिस दिन ऑफ रहता है ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद अभी हमारे घर के पास जो पार्क है उसमें हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉक करेंगे वहाँ पे, और थोड़ा बहुत अच्छी मतलब फ्रेश हवा चल रही है, थोड़ा बहुत अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, और वहाँ से फिर मैं आप लोगों को भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। अभी देखो टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन ये जो जो विंटर आया है ना, विंटर की वजह से ये देखो बाहर अभी बारिश आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शोल्डर का कर रहा हूँ आज, शोल्डर एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे को शोल्डर में थोड़ा दिक्कत है। फिजियो ने बोला है कि मेरे को शोल्डर एक्सरसाइज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे शोल्डर एक्सरसाइज कर रहा हूँ। नीचे देख सकते हो आप, मेरी मैडम जी हेडफोन सेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एडाप्टर कर रहे हैं आज वो। मैं ये शोल्डर 5 मिनट करता हूँ, ज़्यादा सही नहीं पाना, क्योंकि मेरा एक शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ था पहले, तो शोल्डर रिहेबिलेट कर रहा हूँ अभी। तो अपने बोला कि ये वाला एक्सरसाइज डेली 5 मिनट करने के लिए, मतलब डेली कर भी नहीं पाता हूँ, हफ्ते में 2 ही दिन आता हूँ, जितनी मेरी वो है टाइमिंग है। ये देखो अभी सुबह बारिश हुई थी, अभी तो बारिश है नहीं, फिर भी थोड़ा क्लाउडी हो रखा है। विंटर में यहाँ पे समर, इंडिया में समर जैसा बारिश बारिश होता है, और ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये मेरा सोफा है, और ये देखो सोफे के अंदर क्या है। ये सोफे के अंदर यहाँ पे स्पेस है जिसमें आप जो आपकी विंटर की क्लॉथ वगैरह है ये सब रख सकते हो। तो ये लोग बहुत सोच के बनाते चीज़ें ना, मतलब थोड़ा सा स्पेशियस बना दिया कि अलमीरा के अलग से अलमीरा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सोफे के अंदर ही आप कपड़े रख सकते हो। और ये वाला तो आपको पता ही है ना, ये वाला जो है ये ऐसे ऐसे यहाँ पे अगर मैं खींचता हूँ तो ये बेड बन जाता है। तो ये 2 इन 1 है, सोफा कम बेड भी बन जाता है ये ऐसे, इसको ये उठ जाएगा फिर बेड भी बन जाता है। ये हमारा पोस्ट बॉक्स है देखो यहाँ पे ना, तो ऐसे यहाँ पे ना फ्लैट के बाहर ऐसे ये लोग पोस्ट बॉक्स बना के रखते हैं कि जिसका कोई चिट्ठी वगैरह आएगा या मतलब यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ना, क्योंकि इन लोगों ने अभी अभी भी यहाँ पे ना ये पोस्टल सर्विसेज बहुत एक्टिव है, कोई भी काम आता है तो ये लोग पोस्ट से लेटर भेजते हैं आपके घर में। और ये हमारी मेन गेट है जिससे हम बाहर जाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो ना सी जेम्स एंड खू, ये एक रियल एस्टेट बिजनेस है। तो ये यहाँ पे ना आपको घर वगैरह लेना है खरीदना है तो आपको ऐसे नहीं मिलता है कि आप जाके किसी के घर में खरीद लो, ऐसे एजेंट के पास जाना पड़ता है, ये बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखो ये जो साइकिल है इसको लाइम साइकिल बोलते हैं, जो ऊबर है ना, ऊबर का ये एक साइकिल वर्जन है। अगर आप ऊबर में साइकिल बुक करते हो और आपको ये मिलेगा, फिर आप इसको चला के जा सकते हो, जहाँ पे भी आप जाना है उसके जाके फिर वापस को छोड़ दो, फिर आप एंड ट्रिप कर दो, फिर आपकी ऊबर अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये देखो ट्राम जा रहा है रोड के बीचों बीच। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ पे लोग खड़े हो गए, ट्राम चलेगी, फिर अभी ये ग्रीन हो जाएगा फिर चले जाएंगे। तो ये ट्राम की साइड से ही रोड निकलता है और सीधा जाता है वहाँ पे हमारे घर के पास में जो पार्क है, जहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट वगैरह होता रहता है। मतलब एक्चुअली ये काउंसिल का पार्क है, मतलब गवर्नमेंट का पार्क है, कोई भी जा सकता है, जाके आपकी कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ प्राइवेट पार्क्स भी होता है, उसमें आप जा नहीं सकते, जैसे कोई बंदा है वो खुद ओन करता है, या कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ओन करता है, तो आप उसमें नहीं जा सकते। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूल की कोई पार्क में नहीं जा सकते आप, कोई कॉलेज की पार्क में नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ वो कॉलेज स्टूडेंट और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही है जो ट्राम स्टेशन, यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा ट्राम स्टेशन है। आप साइकिल लेके भी, साइकिल अलाउड है क्या ट्राम में है? नहीं, साइकिल अलाउड नहीं है ट्राम में, लेकिन आप फोल्डेबल साइकिल है तो आप ट्राम में लेके चढ़ सकते हो,
जैसे एक साइकिल होती है ना, उसमें फोल्ड हो जाता है बीचों बीच। ये देखो यहाँ पे लाइम भी है, ये लाइम भी यहाँ पे रखा हुआ है, लोग वहाँ से आए होंगे यहाँ पे छोड़ दिया। आप कहीं पे भी छोड़ सकते हो लाइम साइकिल, बहुत कन्वीनियंट है। और एक पाउंड ऐसे ही कटता है कुछ, एक पाउंड दो पाउंड नहीं, एक पाउंड या दो पाउंड ऐसे ही कटता है। और ये हमारी जो रोड है ये सीधा पार्क को जाती है, और ये है ट्राम स्टेशन। अब ये ट्राम आएगा देखना यहाँ पे, और ये देखो। अरे तो हम यहाँ पे पार्क की जो रोड है उसमें आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमारी जो पार्क देखो बहुत ही ग्रीन है यहाँ पे। अभी बारिश की वजह से ना विंटर में पूरा ग्रीन हो जाता है ये, और पूरा ग्रीन हो जाता है विंटर में। और ये देख सकते हो आप कितना ग्रीन है। अभी अभी थोड़ी दिन की बात है, एक महीने से भी कम टाइम में ये पूरा वो सारे पत्ते झड़ जाएंगे और ये सिर्फ पेड़ खड़ी होगी खाली। मैं दिखाऊंगा, अभी 15-20 दिन में ही हो जाएगा ये, विंटर पूरा आने वाला है। अभी सितंबर की एंड हो चुका है, तो सितंबर एंड अक्टूबर की शुरुआत में यहाँ पे विंटर आ जाती है, फिर मार्च तक रहती है, फिर मार्च से फिर समर हो जाती है। और वेदर की वजह से तो बहुत सही रहता है वेदर, बस यही दिक्कत है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बारिश इतनी ज़्यादा होती है विंटर में और बहुत दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, मतलब अंधेरा 3 बजे तक अंधेरा हो जाता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी ये वाला प्राइवेट ग्राउंड है ना, तो ये वाला जो देख सकते हो आप, ये यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट है, ये प्राइवेट है, तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते हम। और ये कोई स्कूल का नर्सरी का है, तो इसमें भी नहीं जा सकते हम, जा रहे जो ओपन वाला है उसमें। तो हम ये पार्क में आ गए, यहाँ पे देखो अभी गोल पोस्ट वगैरह लग गए, एक गोल पोस्ट उधर लग गए, एक तो उधर लग गया और एक वहाँ पे है। तो क्योंकि अभी विंटर आ चुका है, अभी फुटबॉल बहुत स्टार्ट होगा यहाँ पे, बहुत लोग फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे, सबके फुटबॉल में यहाँ पे क्रेज़ है। आपको पता ही है इंग्लैंड में तो क्रिकेट और फुटबॉल का क्रेज़ है, लोगों के अंदर फुटबॉल बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग और खेलते भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोकल क्लब है, उसी का स्टार्ट हो जाएगा अभी एक दो दिन, मुझे लगता है अगले हफ्ते अगले संडे से स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत दूर है वहाँ पे, यहाँ पे बैठेंगे ना, इस पर बैठेंगे ना, मैं इस पर बैठेंगे, अरे इसमें बैठेंगे, इतना दूर कहाँ जाओ। ये देखो आंटी आई है कुत्ता लेके यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई कुत्ता पालना भी बहुत पैसे की, मतलब बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि कुत्ता पाल दिया। इंडिया में तो कोई भी मतलब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। यहाँ पे आपको पेट इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वेटरनरी डॉक्टर बुक करके रखना पड़ता है, फिर उसके खाना, उसके बाद उसको लेके देखो, उसको टहलना पड़ता है, इसको लेके अभी खेलने के लिए आए, देखो ये बॉल फेंके, ये गाएगा अगड़ेगा, ये भी एक हेडेक है। पर यहाँ पे हर किसी के पास एक कुत्ता होता है, मतलब एक यहाँ पे एक कुत्ते का जितना भी मतलब खर्चा होता है लगभग महीने का, मेरे हिसाब से तो इंडिया में उस पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो इंडिया में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीने का ये लोग खर्चा करते हैं कुत्ते के नीचे। यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलने के लिए आते हैं, पूरा मज़े लेते हैं फुला के यहाँ पे। देखो गाइज अभी हम आए थे यहाँ पे, अभी आ गई बारिश, 15-20 मिनट बैठे हैं यहाँ पे, बारिश आ गई भाई। ये विंटर की यहाँ पे बहुत दिक्कत है यार ये बारिश यहाँ पे रुकता ही नहीं है, कभी आ जाता है बारिश। ये गाइज ये देखो, अभी मैं गया था बाहर, ये देखो कितना बुरा हाल हो गया, देखो कभी भी बारिश आ जाता है, बारिश का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है यार। विंटर में तो खास करके बारिश आता है, देखो पूरा भाई मेरे को ऐसे ऐसे इसको सुखाना पड़ेगा। वैसे मेरा ये विंचीटर है, इसके अंदर पानी, लोग हंसेंगे ये जो विंटर में ना हम आम खा रहे, देखो सर्दी में कौन आम खाता है तो ये आम खा रहे सर्दी में, मेरा स्वेटर पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये ना इसको ये पूरा पका हुआ नहीं है, फिर भी देखता हूँ मैं, टेस्ट तो सही है। यहाँ पे गाइज मेरे घर के बाहर कुछ काम चल रहा है, ये देखो आप लाइटिंग देख के पता लग जाए, यहाँ पे कुछ सीवेज ब्लॉकेज हो गया है, इसलिए लोग काम कर रहे हैं, रोड वगैरह इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए और इस शाम से ही कर रहे हैं ये लोग, अभी रात भी हो चुका है फिर भी ख़त्म नहीं हुआ इन लोगों का काम। और ये वाला वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज मैं अभी से रोज़ वीडियोज़ वगैरह डालता रहूँगा, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, और जितना भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस वगैरह है वो सब मैं अपलोड करता रहूँगा, अभी से रेगुलर अपलोड्स होंगी। और बस अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए,